हैं कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश त्रिपाठी मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुजीत ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, बताइए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों की सरकार चलाते हुए जिस तरह से मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया है अपनी उन उपलब्धियों के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, प्रधानमंत्री जी की उस मजबूत छवि के आधार पर अब मध्य प्रदेश के मैदान में है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात के चुनाव परिणामों जैसा चुनाव परिणाम इस बार मध्य प्रदेश में देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत मध्य प्रदेश में लेकर के आएगी, क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट होकर के सामूहिक प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी आज यहां गुटों में बटी हुई है। आज मैं एक उदाहरण आज का केवल बताऊं प्रदेश जी, कि दिल्ली से नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के भोपाल पहुंच रहे हैं, इंदौर पहुंच रहे हैं, ग्वालियर पहुंच रहे हैं, जबलपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गंगा उल्टी बह रही है। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला ये दिल्ली गए। क्यों गए हैं दिल्ली? क्योंकि रार इनकी ठंड थम नहीं रही है। लगातार कुर्ता फाड़ने की जो प्रतियोगिता मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बिखरा हुआ है। और पहले इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो चाहे दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते रहा हो या 15 महीने की कमलनाथ सरकार का रहा हो, 2018 में चुनाव हुए थे, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1,56,00,000 वोट पाई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1,55,00,000 वोट मिले थे। हम 1,00,000 वोट इनसे ज्यादा थे। वो ठीक बात है कि इनको 6 सीटें एक रिपोर्ट आई है मेरे पास राकेश जी, मुझे लगा आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। आपके यहाँ पार्टी में रूठे हुए फूफाओं की तादाद बहुत अधिक हो गई है। फूफा मीन्स बागी नेता। आप अपना घर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, आप कांग्रेस के लिए इतने फिक्रमंद हैं, ये फूफा नहीं मान रहे हैं आपके? देखिए जी, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। मैं जिस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कि कोई नेता एक दूसरे के कहीं टांग खिंचाई कर रहा हो, कोई नेता किसी दूसरे के लोगों को निपटाने का प्रयास कर रहा हो, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व में इस समय लड़ाई दिख रही है। और विशेष तौर पर ऊपर दिल्ली में आज राहुल गांधी और मीडिया के एक बड़े वर्ग का मानना है कि बीजेपी अंडर प्रेशर है मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, 2/3 बहुमत के लिए बढ़ रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। ऑलराइट, मैं सुधा